आई सी सी चैम्पियन ट्राफी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और उस सिलसिले में आई का वफद पाकिस्तान पहुंच गया है दो रुकनी वफद ने कल नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और आज वो लाहौर कजाफी स्टेडियम पहुंचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सी सलमान नसीर ने वफद को तफसली ब्रीफिंग दी और वफद ने ग्राउंड ड्रेसिंग रूम आफिशल्स रूम मीडिया बाक्सेस चेयरमैन बाक्सेस और दीगर तमाम इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और इस वक्त ने कल इस्लामाबाद जाना है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का जायज़ा लेने के लिए तो वीमर्स आ, गुड न्यूज़ ये है कि आईसीसी के वफद का पाकिस्तान पहुंचना जो इस बात की गमाजी कर रहा है कि पाकिस्तान को आईसीसी सी, -सी ट्रॉफी चैम्पियन की मेज़बानी मिलने वाली है लेकिन यहाँ पे जराए ने हमें बताया कि ग्राउंडस का जायज़ा लेने के बाद उनके तहफात हैं लेकिन वफद को ब्रीफिंग देते हुए ये यकीन दहानी कराई गई है कि हम इसको अपग्रेडेशन की और इसके रेनोवेशन की ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि चैम्पियन ट्रॉफी से पहले पहले हम अपने स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेंगे हमने अपने स्टेडियम भी अपग्रेड करने और अपने क्रिकेट का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है यहाँ पे फिर हाइब्रिड मॉडल की बात होती है जिसमें न्यूट्रल वन्यू को यूज़ किया जा रहा होता है तो पाकिस्तान को इस बार अपना एक भरपूर स्टांस लेना चाहिए अपने मौक़ पर डटे रहना चाहिए तो ये एक गुड न्यूज़ है वह आई सी सी वफ़ का पाकिस्तान आना लेकिन यहाँ पे साथ साथ हमको पता है कि क्रिकेट में इंडिया की इन्वॉलमेंट कितनी है बी सी सी आई की इन्वॉलमेंट इस आई सी सी में कितनी है तो वहाँ पर उनके हाँ के साथ ज़्यादातर मामला आज कल मशरूत हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को अच्छी तैयारी के साथ साथ एक भरपूर अपना एक मौक़ रखना चाहिए अपना एक स्टांस लेना चाहिए और जिस पर डटे रहना चाहिए होप फॉर बेस्ट के जो नया हमारा चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब फिलहाल तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं उनकी इन्वॉलमेंट अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वो शो कर रहे हैं लेकिन ये आगे जाके क्योंकि उनके पास और भी ज़्यादा अहदे हैं तो उनको ज़रा फोकस यहाँ पर ज़्यादा करना होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त तो बहुत सारा काम करना है पाकिस्तान के स्टेडियम्स के लिए बहुत सारा काम करना है तो इस तरह ये एक अच्छी उम्मीद है गुड न्यूज़ है आई के वफद का आना लेकिन यहाँ पे हमने आगे भी देखना है इसमें काफ़ी वक्त है इंडिया तो फिलहाल साइलेंट है खामोश है कुछ बॉल नहीं रहा लेकिन उनके बोलने पे काफ़ी सारा इसार होता है कि उन्होंने पाकिस्तान आना होता है या आना नहीं होता वैसे तो खैर क्रिकेट को हम जो हमारा एक जरिया है दो नेशनस को आपस में मिलाने का एक प्यार मोहब्बत बांटने का तो उसको अगर हम सियासत से और अपने दिगर मामला से दूर रखें तो ये अच्छा ही होगा लेकिन खैर देखते हैं इस बार उम्मीद है कि इंडिया भी पाकिस्तान के दौरे के लिए आएगी और पाकिस्तान में जो चैम्पियन ट्राफी दो हजार पच्चीस है वो इनशाला अच्छे तरीके से कामयाब होगी वीवर्स ये थी आज की न्यूज जो हमने आपके साथ शेयर की आप भी अपनी आरा से हमें आगाह कर दीजिए क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस बार चैम्पियन ट्रॉफी की मेजबानी कर लेगा या एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल की तरफ हमें जाना होगा